खबर देहरादून से आ रही है, जहां प्राचीन और सिद्ध पीठ टपकेश्वर महादेव, जिसे द्रोण की तप स्थली भी कहा जाता है, श्रावण मास में वहां से महाराज भोले शंकर की शोभा यात्रा राजधानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए टपकेश्वर महाराज मंदिर पहुंचती है। आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिद्धपीठ के महाराज भरत गिरी ने कहा कि यह शोभा यात्रा हर साल श्रावण मास में निकाली जाती है। भोले की कृपा से बनी सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। वहीं उन्होंने कहा कि आज जिस तरह सनातन धर्म खतरे में है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। यह स्थिति कभी भी कहीं भी हो सकती है, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। और भी देहरादून में कोई त्यौहार नहीं है।